नमस्कार, जय माता दी। मित्रों, ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, चाहे आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता किसी भी हद तक क्यों नहीं बिगड़ गया हो, चाहे अब आप दोनों में से कोई भी दूसरे पार्टनर को देखना नहीं चाहता है, बात नहीं करना चाहता है, मुरझा सा गया है ये फूल सा खिला हुआ रिश्ता, जहां आपको एक नज़र देखने के लिए दिन दिन भर इंतजार करता था आपका पार्टनर, अब आपको वह एक नज़र देखना नहीं चाहता। आपके एक फ़ोन कॉल के लिए अपनी रातों की नींद छोड़ देने वाला आपका पार्टनर अब आपके फ़ोन को ब्लॉक करके रखता है। अर्थात जब लग गई हो किसी की बुरी नज़र, किसी की कड़ी नज़र आपके प्यार को, प्यार पर आ गई है बाधाएं, अड़चने, न जाने किसने किया कराया कर दिया है, या आपके ही बर्थ चार्ट में कोई ऐसा ग्रह प्रवेश कर गया है जो अब आपको लव लाइफ में सुख नहीं भोगने दे रहा, बिगड़ गया हो आपका शुक्र या बिगड़ गई हो आपकी गुरु की अवस्था, अब नहीं स्नेह मिल पा रहा है आपको आपके पार्टनर का, नहीं प्यार के बंधन में आप उसे बांध पा रहे हैं, तब करें यह छोटा सा दिव्य अलौकिक चमत्कारिक लव वशीकरण। जी हाँ मित्रों, फिर लेकर आई हूँ एक अद्भुत चमत्कारिक लव वशीकरण जो आपके प्यार को आपके पास खींच कर लाएगा। अवस्था कितनी बुरी क्यों ना हो, यह सुधार देगा, सवार देगा, सब कुछ अचानक से ठीक हो जाएगा। देखिए कैसे साझा करता है आपका पार्टनर अपने प्यार को आपके साथ। चाहे प्रेमी हो, रूठ गया हो विवाह की बात पर, या उसे अंदाज़ा लग रहा है कि आपके जीवन में कोई और है, शक कर रहा है वो आप पर, उंगली उठा रहा है, ब्लॉक कर दिया है उसने आपको, नहीं मिलना चाह रहा आपसे, तब करें यह छोटा सा दिव्य प्रयोग। यदि प्रेमिका जिम्मेदारी नहीं उठाना चाह रही, विवाह नहीं करना चाह रही आपसे, प्यार तक तो ठीक था, अब इस रिश्ते में आगे बढ़ने का हौसला नहीं कर पा रही, तब करें यह छोटा सा दिव्य चमत्कारिक लव वशीकरण। यदि शादीशुदा हैं आप दोनों, पति अब इस रिश्ते से मुकर रहा है, पीछे हट रहा है, या पत्नी जिम्मेदारी उठाने से घबरा रही है, हो रहे हैं दोनों के बीच खूब सारे बहस और खूब सारे झगड़े, बात नहीं बन पा रही है, अब ऐसा लग रहा है कि अब यह रिश्ता खत्म होकर रहेगा, अब तलाक होकर रहेगा, तब करें यह छोटा सा दिव्य चमत्कारिक लव वशीकरण। केवल एक चमत्कारिक वशीकरण और आपका प्यार आपकी मुट्ठी में होगा, आपकी बाहों में होगा, आपके पास होगा। छोटा सा है, परंतु इस वशीकरण को करने के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे के लिए बहुत ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाना प्रारंभ कर देंगे और सब कुछ अचानक से अद्भुत हो जाएगा, बदल जाएगा। समझ कर करें किस दिन करना है यह प्रयोग, कैसे करना है, किस मंत्र का जप करना है, ताकि आप इधर प्रयोग करें और आपका पार्टनर उधर तड़प उठे आपके लिए। मित्रों, यह प्रयोग करने से पहले केवल और केवल एक शर्त, इंटेंशन अपना बहुत क्लियर रखिए, बहुत पवित्र रखिए अपनी मनसा। किसी की पत्नी को छीन लेना, किसी और की गर्लफ्रेंड को उसका प्यार तुड़वा कर अपनी गर्लफ्रेंड बना लेना, या किसी अजनबी लड़की पर कोई प्रयोग करना ताकि वो मेरे प्यार में कंट्रोल में आ जाए, ऐसे गलत भाव से कभी भी यह प्रयोग ना करें। जब भी आप कोई चमत्कारिक प्रयोग करते हैं तो आपके तार ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से जुड़ जाते हैं। जहां आपको तुरंत असर दिखाता है यह चमत्कारिक प्रयोग, वहीं आपको तुरंत सजा भी देता है। इसलिए कोई गलत प्रयोग गलत मनसा के साथ ना करें। यदि आप सच में किसी के प्यार में पागल हैं, सीरियस हैं, आप उस बंदे को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं या उस लड़की को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहते हैं, तभी करें यह प्रयोग। यदि आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं या अपने पति से बहुत प्रेम करते हैं और झगड़े को ख़त्म करना चाहते हैं, तब करें यह प्रयोग। अर्थात सही नियत के साथ करें, परमात्मा भी इसमें आपका साथ देंगे और तुरंत ही तुरंत यह असर दिखाएगा। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, यह प्रयोग या तो 2 दिनों में ही आपको चुनाव करना है, या तो आप मंगलवार के दिन इसका चुनाव करेंगे या तो शनिवार के दिन। बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, केवल एक साधारण चीज़ जो आपके किचन में आपको मिल जाएगा, जो अद्भुत होता है ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में इसका अलग ही स्थान है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ काली मिर्च की। अलग अलग प्रांत में इसे काली मिर्च, गोल की
ब्लैक पेपर कहते हैं आप काली मिर्च जानते होंगे। किचन में मसाले के रूप में प्रयोग किया जाने वाला यह काली मिर्च तंत्र शास्त्र में किसी को वशीकृत करने में, किसी को अपने प्यार में पागल करने के लिए पर्याप्त है। आपको गिनकर 21 दाने काली मिर्च के चाहिए। यह काली मिर्च आप अपने किचन घर से ले सकते हैं, आराम से अपने किचन से प्रयोग करें। ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट से ही खरीद कर लाना है। अपने किचन में से 21 दाने काली मिर्च मंगल या शनिवार के दिन ले लें। जिस दिन यह प्रयोग करें, प्रातः जरा जल्दी सोकर उठें, स्वच्छ कपड़े पहन लें, स्नान कर लें, सर से जल डालकर स्वच्छता का बहुत ध्यान रखें। महिलाएं करें, पीरियड्स में ना करें। काले रंग के कपड़े को पहनकर छोड़कर जो भी कपड़ा आप पहनना चाहे पहन सकते, कोई भी कपड़ा चलेगा। आसन पर बैठकर आपको यह प्रयोग करना, आसन में भी काले रंग का कपड़ा नहीं चलेगा। थोड़ा सा पात्र में जल लेना है आपको, जिसमें 2 पुष्प डालने हैं, थोड़ी सी काली मिर्च लेनी है और एक सफ़ेद रंग का कागज़ लेना। एक कागज़ पर आप किसी भी रंग के कलम का इस्तेमाल करें, ब्लू, लाल, कोई भी रंग का कलम हो। आप एक कागज़ ले लें, चौमुखा कागज़, उसके चारों कोनों में स्वास्तिक का निशान बना दें। आप जिस दिन यह प्रयोग करें, उत्तर की ओर मुंह करके एक आसन पर बैठ जाएं, सामने जल का पात्र रख दें, पात्र में 2 पुष्प डाल दें। कागज़ के चारों भाग में आपने स्वास्तिक का निशान बनाया और बीचों बीच आप अपने पार्टनर का नाम लिख देंगे। नाम के ऊपर ही आपको यह 21 दाने काली मिर्च के रख देने हैं। सामने आप रख दें, आंखें बंद करके बैठ जाएं, मन को शांत करें। 21 बार अपने पार्टनर को मन ही मन पुकारें, शब्द में नहीं, केवल मन ही मन उसे पुकारें। उसके बाद आपको आंखें बंद करके उसकी अनुभूति करनी है। खूब दिल से, हृदय से उसे स्मरण कीजिए, याद कीजिए, उसकी अनुभूति कीजिए। ऐसा लगे जैसे बिल्कुल वह आपके बगल में बैठा हो, वह आपके सामने आ गया हो। यदि पति नहीं लेने आता आपको, ऐसा महसूस कीजिए कि वह लेने आया है आपको, आपको लेकर जा रहा है। बहुत करीब है वो आपके, बिल्कुल आपके वो साथ है, ऐसा महसूस कीजिए, सब कुछ ठीक है। जब उसकी अनुभूति होने लगे, वह दिखने लगे आपको, बिल्कुल वो समझ में आने लगे आपको, तब आज जो मंत्र बता रही हूँ, इस मंत्र को केवल 21 बार जप करें। ओम त्रिन मन अमुक कृत्या वश्यम वश्यम। इस मंत्र में अमुक के स्थान पर पार्टनर का नाम जोड़ दें और 21 बार लगातार इस मंत्र को बोलें। इस मंत्र को बोलने के बाद इस पेपर को काली मिर्च के साथ, जिसमें नाम लिखा है आपने, समेट दें, मोड़ दें। ये जो जल आपने सामने रखा है, इस जल को किसी भी फूल पौधे पर डाल दें। आप इस आसन से आप उठ सकते हैं। यदि आज मंगलवार है तब भी और आज शनिवार है तब भी, दोनों ही अवस्था में इस काली मिर्च को पेपर के साथ लेकर जाएं और आपके घर में के नज़दीक जो भी पीपल का वृक्ष हो, इस वृक्ष के जड़ के पास, जरूरी नहीं है पीपल के वृक्ष की छांव जहां तक जाती है, वहां तक के किसी भी मिट्टी में आप इस कागज़ को उसके नाम और काली मिर्च के साथ ज़मीन में दबा दें। केवल इतना, फिर देखिए कैसे चमत्कारिक रूप से आपका पार्टनर भाग कर आता है आपके पास, सब कुछ छोड़ कर आता है, इस प्यार के बंधन को समझता है, निभाता है और आपका प्यार पूर्ण रूप से रहेगा आपके वश में। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।